और हरे बांसों की मार पड़ने लगी उसने। वो राजा था तो आकर के और मंत्रियों ने समझाया आला को, आला ने माँ ने भी समझाया आकर के, बेटा तेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, गलती हो गई हो गई। माँ का समझाना भी उसने अस्वीकार कर दिया। तो माँ अब सीधा उपदेश देती है उधर को कि मारू धार बचर फट जाए तो ऐसो दूध पिवायो, अगर मैं दूध की धार मारू तो वज्र फट जाएगा, ऐसा दूध तेरे को पिलाया, आज बांसों के बंद करके मार खा रहा तो शर्म नहीं आती? ये शब्द है, ये माँ की टोक सुनकर के एकदम से झटका मार दिया, उधर ने साटो को तोड़ दिया। इसी प्रकार से शब्द के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अब पागल व्यक्ति हो तो वो तो शब्दों को ऐसे ही फेंकता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, उसके शब्दों की कीमत नहीं है। विचारमान व्यक्ति जिसके शब्दों में ताकत है, शब्दों के द्वारा व्यक्ति को जो है सम्मोहित किया जाता है, आदमी को मूर्छित किया जा सकता है शब्दों द्वारा, सम्मोहित किया जा सकता है शब्दों द्वारा। शब्दों के द्वारा आप अपने मंतव्य को दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे के मंतव्य को स्वयं समझ सकते हैं। भाषा कोई सी भी हो, अपनी भाषा, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही भाषा बनती है। तो सदगुरु देखा था शब्द ही मारा गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने हैं। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरा काम युद्ध करना है, बाहर चलो। और कर्ण का सारथी कहता है अरे तू गीदड़ होकर सिंह के सामने जा रहा है, अर्जुन सिंह के समान है, तू गीदड़ के समान है उसके सामने, तू क्या युद्ध करेगा? तो शब्दों के द्वारा मनोबल को गिराया जा रहा है, कर्ण के मनोबल को वो शल्य गिरा रहा है। शल्य ने इसी बात पर रथ चलाना स्वीकार किया था कि मैं जो भी कहूंगा वो सुनना पड़ेगा जो मेरे रथ में बैठेगा, जो मुझे उसको सुनना पड़ता था। उसके शब्दों को सुनकर के उसका आत्मन कर रहा है और कृष्ण के शब्दों को सुनकर के उसका आत्मन पड़ रहा है। भीष्म पिता में जैसे द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी युद्ध स्तर में सामने बैठे हुए, जिनके द्वारा अर्जुन सीखा है, और कृष्ण के शब्दों की ताकत उसको विजयी बनाती है, उसके अंदर आत्मबल इतना बढ़ देती है, इतने बड़े बड़े वीर धुरंधरों के सामने वो विजयी होता है। गुरुजनों के शब्दों को सुनकर के शिष्य गुरु की विद्या को प्राप्त कर लेता है। शब्द ही तो है, शब्दों को, शब्दों के द्वारा हम किसी को उत्तेजित भी कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा शांत भी कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा शिक्षण दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। सलाह देने वाला मंत्री कराता है, मंत्री भी शब्दों द्वारा ही सलाह राजा को देता है। शब्दों द्वारा शांति की स्थापना कर सकते हैं और शब्दों द्वारा अशांति की स्थापना कर सकते हैं। गोपीचंद भरतरी का नाम आपने सुना होगा। शब्दों को सुनकर के, मां के शब्दों को सुनकर के गोपीचंद ने घर बार राजपाट छोड़ दिया, साधु हो गया। मां ने कहा बेटा साधु हो जा,
गोपीचंद कहता है कि मेरे इतनी रानियां हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतना राजपाट है, मां मुझे साधु क्यों बनाना चाहती है। मां ने उपदेश दिया, बेटा ये संसार नश्वर है, नाशवान है, जाने कितने शरीर तेरे नाश हो चुके और इसी चक्कर में पड़ा रहेगा और शरीर नाश हो जाएंगे, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। मैं तेरे को उपदेश देती हूँ बेटा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माँ हूं, तू अपना कल्याण कर। ये माँ के द्वारा दिया हुआ उपदेश पुत्र के लिए। मदालसा ने इसी प्रकार से अपने पुत्रों को उपदेश दिया, सात पुत्र हुए उसके मदालसा के, और राजा से कह दिया कि देखो मैं पुत्र जब ही पैदा करूंगी जब नीनी चलेगी तो पुत्रों को शिक्षा मैं दूंगी। अच्छी विदुषी थी मदालसा, उपदेश देते शुद्धोषी बुद्धोषी शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर ज्योतोषी, हर पुत्र को उपदेश दिया उसने और समृद्ध होते ही साधु बना करके घर से निकाल दिया, जाओ बेटा तपस्या करो, इस घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा है। ये सब ही तो थे, आखिरी पुत्र रह गया। तो राजा ने कहा कि इसको मेरे कहने से रुक दो, राजपाट कौन चलाएगा, राजा दे। तो कहा ठीक है, उसके हाथ में तावीज बांध दिया और तावीज में यह मंत्र लिख दिया, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जितोषी, यह मंत्र लिख करके उसके हाथ में बांध दिया, बेटा तेरे पे कोई आपत्ति पड़े जब इसको खोल करके तावीज को देख लेना, इसमें लिखा हुआ वो वैसा कर लेना। अब क्या होता है कि पुत्र बड़ा तो हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया, उसके पुत्र पैदा हो गया। अब पुत्र पैदा हो जाने पर पुरुष को मालूम पड़ा कि पुत्र के पुत्र पैदा हो चुका है, उत्तराधिकारी हो चुका है, अब उसको घर बार छोड़ करके साधु होना चाहिए। मदालसा और मदालसा के पति दोनों जंगल में निकल चुके थे, जब देखा कि पुत्र के पुत्र पैदा हो गया, उत्तराधिकारी पैदा हो गया, उसको भी संसार छोड़ना चाहिए। संदेशा भेजा गया, संदेशे को अनसुना किया गया, पर मां चाहती थी मेरा पुत्र कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कल्याण हो। तो राजा तो वो पहले थे, और दो चार राजाओं को बुलाया अपने पास और कहा मेरे पुत्र पर चढ़ाई कर दो, मेरे पुत्र के राज पर चढ़ाई करिए पर मारना नहीं, उसके राज को, उसका पुत्र है उस पुत्र को गद्दी बैठा देना। चारों से राजाओं ने चढ़ाई की तो चारों से घिर गया। तो कहा कि आपातकाल में मां ने कहा कि तावीज को खोल के देखना, तावीज खोल के देखता तो उसमें क्या शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जितोषी, तो फिर संसार को छोड़ करके वो भी जंगल में तो राजा महाराज को राज नहीं चाहते थे, वो तो उसके पिता के मित्र राजा थे, उसके पुत्र को उन्होंने गद्दी पर डाल दिया। ये ऐसी माताएं होती हैं जो अपने पुत्र को ज्ञान बोध विचार का उपदेश दिया, बेटा साधु होकर के अपना जीवन कल्याण करे, संसार में क्या पड़ा हुआ है। कई माताएं होती हैं वीरत्व की शिक्षा देती हैं, बेटा जाओ युद्ध करो। कई माता होती हैं विद्या की उपदेश देती हैं, बेटा विद्या पढ़ो। और कई माताएं ऐसी होती है जो हवा से डराती हैं बच्चों को कि बेटा हवा आ जाएगा, हवा बाहर मत जाना। अब जो अपने बच्चों को हवा से डरा रही है उसके बच्चे कैसे होंगे, और जो माँ अपने पुत्र को कह रहे हैं मारू धार बच्चे फट जाए तो ऐसो दूध पिलाओ, तू बना कम से मार गाला कहते और तेरा पराक्रम कहां गया। तो ऐसे ऐसी माँ का पुत्र और जो हवा से डराती है अपने पुत्र को, उसके उस माँ का पुत्र कैसा होगा, कैसे अंत्य करूंगा उसके, उसके अंदर वीरत्व के संस्कार होंगे, उसके अंदर विद्या के संस्कार होंगे,
और उसके अंदर कायरता के संस्कार होंगे जो अपने पुत्रों को हंगा से डराती है। मां के शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, अपने पुत्र के जीवन को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, ये शब्दों की ताकत है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं शब्द ही मारा गिरा, शब्द की मार से अच्छे अच्छे धराशाई हो जाते हैं। शब्द की मार है, शब्द की मार कोई कम बाण, तलवार की मार तो कहते ठीक हो जाएगी, पर शब्द की मार बहुत बेहतर। शब्द ऐसे शब्द मरे उसे किसी का हाथ पे रो सकता है। आप जंगल में जा रहे हो, सामने शेर पड़ जाए, सांप उसकी शेर की दहाड़ आपके सामने आए, क्या हाल होगा आप? आप जंगल में निकल रहे हैं और सामने बम्बो और शेर आ रहा है और वो दहाड़ मारता है, दहाड़ को सुनकर आपका क्या हाल होगा? सत्य ही तुम्हें कोई क्रोधित वचन बोलता है आपके सामने, बैर भाव के वचन आपके अंदर बैर भाव उत्पन्न होगा। कोई नम्रता कोमलता के वचन बोलता है आपके अंदर सद्भाव पैदा होगा, मैत्री भाव होगा। शब्द ही छोड़ा राज, बड़े बड़े राजा महाराजा ने शब्द को ज्ञान बोध विचार के शब्दों को सुन करके राजपाट को छोड़ करके जंगल में करके साथ हो गए। अब सदगुरुदेव कांते की बात कहते हैं जिन्हें शब्द विवेक किया, जिन्होंने शब्दों का विवेक किया। शब्दों का विवेक कैसे, ये सार्थक शब्द है कि निरर्थक शब्द है कि यथार्थ शब्द है, ये विवेक किया। जो शब्द सुन रहा हूं मैं तुझे सार्थक है कि निरर्थक है, कैसे? जैसे उदाहरण चाहिए, कहते हैं कि शब्द है कि बाल समय रवि भक्ष कियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, शब्द है, ये शब्द है। किन्होंने लिखा है? तुलसीदास जी ने। किन के लिए लिखा है? हनुमान जी के लिए। हनुमान जी को भूख लगी छोटे छोटे थे, बालक से माँ से कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, तो सूर्य को दिखा देती है माँ, तो हनुमान जी जाते हैं सूर्य को मुंह में ये शब्द कैसे हुए? ऐसा हो नहीं सकता कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है और हनुमान जी पृथ्वी पर पैदा हुए तो पृथ्वी से छोटे ही होंगे, और फिर जो है सूर्य जो है जलता हुआ अग्नि का गोला, आप कितने भी बड़े छोटा सा टुकड़ा मुंह का वो है और लाल पड़ा हुआ अग्नि का उसको मुंह में दे सकते हैं? ये शब्द यथार्थ नहीं। हाँ, हो सकता है कि सूर्य जैसा खिलौना कोई होगा और उस खिलौने को उन्होंने हनुमान जी ने मुंह में दे दिया हो। आजकल खाण के खिलौने भी चलते हैं उसमें सूर्य की आकृति होती है, गधे की आकृति होती है, घोड़े की आकृति होती है, खाण के बने होते बच्चे लोग खाते हैं उसे तो जाके तो इसका मतलब वो तो खाण के खिलौने खा रहे हैं, यथार्थ बात नहीं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी अपने शब्दों के द्वारा कुछ इसी प्रकार से कुछ व्यक्त किया हो, उस सूर्य के लिए बात नहीं कही जिस सूर्य की अपन कल्पना कर रहे हैं। इन शब्दों के द्वारा हम भ्रमित होते हैं और शब्दों के द्वारा भ्रम का नाश होता है, शब्द ही है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा जिन जिनने शब्द विवेक किया, जिन्होंने शब्द का विवेक किया, ये शब्द रोचक है कि भयानक है कि यथार्थ है? ये शब्द कैसे हैं? इनसे उन शब्दों की जिसने पहचान की, विवेक किया, इसकी वास्तविकता क्या है, यथार्थता क्या है? तो जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका स्वर्ग होगा आज। जिन्होंने शब्द विवेक किया कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, किन शब्दों के द्वारा मेरी मुक्ति होगी और किन शब्दों के द्वारा बंधन होगा, ये विवेक किया। तिनका आश्रय होगा, उनका काज सुनने का होना, उनका कल्याण हो गया।
मेरे लिए अकल्याणकारी क्या चीज है, कल्याणकारी क्या चीज है, ऐसा विवेक जो करते हैं वो अकल्याणकारी मार्ग को छोड़ के कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, बंधन को छोड़कर के मुक्ति की तरफ चलते हैं, अपने बंधनों को छुड़ा करके सब प्रकार के स्वतंत्र स्वाधीनता प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता पराधीनता को छोड़कर के स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करते हैं। इसमें शब्दों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। सरगुरु श्री कवि साहब ने इसमें इस साखी के अंदर शब्दों की ताकत को दर्शाया है। आप लोग भी समझ लीजिए, रोज आप शब्द बोलते हैं, एक पागल व्यक्ति दिन भर बोलता रहता है, उसके कोई सुनता नहीं है, और कोई समझदार कोई विद्वान व्यक्ति शब्द चाहे एक दो ही बोलेगा तो उस उन शब्दों का मोल होता है, उन शब्दों की ताकत होती है, उसका एक एक शब्द ताकतवर होता है, एक एक शब्द उसका ताकतवर होता है, उसका असर होता है, कोई शब्द के अंदर अर्थ होता है और अर्थ का कुछ लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य का परिणाम सामने आता है। इसलिए विचारवान व्यक्ति व्यर्थ शब्द नहीं बोलते, व्यर्थ शब्द पागल व्यक्ति ज्यादा बोलते। तुलसी लाया बातल भूत बितल मतवारे, जे नहीं बोले वचन संवारे, बातों वादी बात रोग जिसको हो जाए उससे उन्माद पैदा होता है तो बहुत बकबक करता है, रोग है बातल भूत, कहते हैं भूतानुमान, ये भी एक उन्माद का नाम है, पागलपन का नाम है, जिसको भूतानुमान चढ़ा हुआ हो वो भी अकबर को कुछ भी पकड़ेगा, पर कोई उसकी सुनता नहीं है। बातोन्मादी भूतोन्मादी बातल भूत भूतल मतवादी, जिसकी बुद्धि अकल बेकल हो रही हो, जिसकी अकल पकल बुद्धि हो रही हो, भूतल है जो मतवाला हो जाए, किसी के भी नशे में, धन के नशे में, जवानी के नशे में किसी में मतवाला हो जाए तो वो अक्को कुछ भी बदलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये नहीं बोले वचन संभाले, ये वचन संभाल के नहीं बोल सकते, क्यों उन्माद है उनके अंदर, पागलपन है, उन्मादित लोग हैं वो, इसलिए उनके शब्दों पे लोग बाग विश्वास नहीं करते, वो अविश्वसनीय व्यक्ति होते, पागल व्यक्ति कुछ भी कहेगा तो उसके उसके जो है लोग बाग विचार नहीं करेंगे, पागल है बकरा है जैसे। और जो समझदार जो व्यक्ति हुआ उसका एक एक शब्द को लोग वाक अमृत के घूंट के समान ग्रहण करेंगे, उसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। और रात और दिन को क्या पंडित की पोथियां जो रात दिवस मिल गए, इसी प्रकार से हमको विचार मान, हम सार्थक शब्दों का कब प्रयोग कर सकते हैं, जब हमारे अंदर विचार है, बोध है, विचार है, विवेक तुम्हारी बुद्धि है, तो हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं, उन शब्दों में चुंबकत्व होता है, शब्दों के अंदर आकर्षण होता है, जहां जाएंगे जिसके अंदर बैठेंगे वो अपना काम करेंगे, इन शब्दों को सुनकर के बड़े बड़े बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, और शब्दों की मार से सुधरे हुए बिगड़ भी जाते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है कि संगत की जय साधु की, हरे और की ब्याज ओछी संगत पूर की आठों पहर उपार। संगत किसे किसकी करनी चाहिए, साधु की। साधु किसे कहते हैं, जिसका तन सदा हुआ हो, मन सदा हुआ हो, वचन सदा हुआ हो, उसका नाम है साधु। जिसकी तन की साधना परिपूर्ण हो, मन की साधना परिपूर्ण हो, और वचन की साधना जिसकी परिपूर्ण हुए हो, जो बिना विचारे इन चीजों को नहीं करता हो, बोले बोल विचार के बैठे ठोर संभाल, कहे कबीरता संत की कहू ना आवे हा,
जो विचार पूर्वक बोलता है, जगह संभाल करके बढ़ता है, उस संत की कभी हार नहीं होती है। सदगुरु श्री कवि साहिब जी का एक एक शब्द बड़ा अनमोल है, ताकतवर है। हम उनको व्यर्थ ही पढ़ते तो है, उस पर विचार नहीं करते। अगर उनका विचार किया जाए तो एक आपके कल्याण के लिए एक साखी उनकी काफी है। विद्वान लोगों के, विचारवान लोगों के एक एक शब्द अनमोल हीरे के समान है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगेरो काज। इन्होंने शब्दों में विवेक किया, उनका काज सरगेरो, मतलब उन्होंने अपना जीवन कल्याण कर लेते हैं, संसार से उपराम होकर के त्याग वैराग्य बोध विचार को धारण करके अपना जीवन कल्याण संसार सागर से पार हो जाते हैं, और जो शब्दों पर विचार नहीं करते वो संसार सागर में डूब जाते हैं। इस साखी का यही भाव, यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।